मेरा नाम आदर्श, मैं आज आपके सामने एक वीडियो शेयर करने वाला हूँ विच इज़ रिलेटेड ऑन जूम। एंड ये जूम कॉल पे काफ़ी सारे लोगों का मैंने चैलेंजेस देखा, कमेंट पे देखा कि उन्होंने जूम एप्लीकेशन को इस्तेमाल करने के लिए या कोई भी मीटिंग ज्वाइन करने के लिए उनको चैलेंजेस होता है, प्रॉब्लम होती है। एंड सो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ बहुत ही एक क्विक एंड इजी सेटिंग्स जो आप आपका सेफ तरीके से इस जूम एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हो कौन सा भी कोई भी मीटिंग ज्वाइन करने के लिए। बहुत ही सिंपल है। इसके लिए आपको करना क्या है, बहुत ही सिंपल। आपको पहले प्ले स्टोर से आपको जूम एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे इसका ऑथेंटिक लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप यहाँ पे जूम एप्लीकेशन टाइप करिए। ओके, मेरा ऑलरेडी है तो इसको डाउनलोड है, तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा जूम एप्लीकेशन, जूम क्लाउड मीटिंग, दिस इज़ द एप्लीकेशन नेम। इसको आपको डाउनलोड कर लेना है आपके मोबाइल पे। एंड देन आपको करना क्या है, बहुत ही सिंपल तरीके से जूम एप्लीकेशन को ऑन करना है। तो जूम जैसे ऑन करेंगे तो आपको इस तरीके से एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो इस विंटर इंटरफेस जो है इसमें आपका विदाउट साइनिंग वाला इंटरफेस है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पहले साइन अप कर लीजिए, जैसे आप हमारा सोशल मीडिया को साइन अप करते हैं, कोई भी फेसबुक इंस्टाग्राम पे जैसे साइन अप करते हैं उसी तरीके से इसको भी आप साइन अप कर लीजिए। आपका साइन अप करने के लिए बहुत ही ऑप्शन मिल जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है, उसके बाद आपको साइन अप का ऑप्शन जो है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ मैं आपको एक, फॉर एग्जाम्पल अगस्त। तो इस तरीके से आ जाएगा। आपको ईमेल से आप साइन अप कर सकते हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका सारे चीज़ों डिटेल्स डाल दीजिए, साइन अप कर लीजिए। ईमेल को वेरिफिकेशन करना होगा तभी जाकर आप जूम एप्लीकेशन को आप इस्तेमाल कर सकते हो। एंड मेरा ऑलरेडी साइन अप है, तो मैं सिंपल क्या करूँगा कि साइन इन करके मैं ईमेल आईडी से मैं ज्वाइन कर लूँगा। लेकिन उसके पहले अगर आप साइन अप नहीं करना चाह रहे हैं या आपको करना पसंद नहीं है या जो भी रीज़न हो सकता है, तो आपके लिए और एक आसान तरीके से बता दूं कि यहाँ पे पहले जो ऊपर देख रहे हैं आपको सेटिंग्स, ओके, ये जो सेटिंग्स है इस सेटिंग्स को आपको क्लिक करना है। इसमें मीटिंग्स आ चुका है तो इसमें आपको सेटिंग्स एक चेक करना है, ऑटो कनेक्टेड टू ऑडियो। ओके, तो इसको ऑफ है, इसको आपको ओवर इंटरनेट इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। ताकि काफ़ी सारे लोग मीटिंग तो ज्वाइन कर लेते हैं बट उनको मीटिंग में साउंड कनेक्ट नहीं होता है, ऑडियो कनेक्ट नहीं होता है, जिसकी वजह से उनको वीडियो दिखता है बट ऑडियो नहीं सुनाई देता है। दैट इज़ द प्रॉब्लम जो लोगों को खास करके चैलेंजेस फेस होता है। तो नाउ अभी आपको जो भी आपका मीटिंग आईडी और पासवर्ड आपको मिल जाता है, तो सिंपल क्या करना है, आपको ज्वाइन मीटिंग में जाके क्लिक करना है। यहाँ पे आपको मीटिंग आईडी या लिंक आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। मीटिंग आईडी आपको यहाँ पे डाल देना है और यहाँ पे पासवर्ड डाल देना है, डाल के आपको ज्वाइन मीटिंग में आपको क्लिक कर देना है। तो आपको कोई भी और बाकी सेटिंग्स करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑडियो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएंगे वीडियो में एंड ऑल्सो ऑडियो में। सो दिस इज़ द फर्स्ट टिप जो मैं आपको शेयर किया। सेकेंड ऑप्शन जो है और जो साइन अप करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो उसमें आपका ऑलरेडी नेम आ जाता है। हाँ, और एक चीज़ मैं बोलने के लिए आपको गाइड करने के लिए भूल गया, एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका नेम है ABCD6994 है, ये ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट ले लेता है, मे बी आपका फ़ोन का मॉडल ले लेता है। तो यहाँ पे आपका ऑफिशियल नेम को मेंशन करिए, ओके, आदर्श माइती। सो ये आपका ऑफिशियल नेम आप मेंशन करिए, ताकि आपको ये मेंशन करना ज़रूरी है, ताकि सामने वालों को भी ईजी हो जाता है आपको रिकोगनाइज करने के लिए। एंड देन थर्ड सेकेंड ऑप्शन वे टू ज्वाइन इज दैट कि आपका साइन अप कर सकते हैं ईमेल आईडी से, फेसबुक के जरिए आपको साइन अप कर लेना है, उसको ईमेल कम्युनिकेशन करना है। अगर आप फेसबुक के जरिए आप इसको साइन अप कर रहे हो तो आपको कोई ईमेल का वेरिफिकेशन या कंफर्मेशन करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको जस्ट आपका फेसबुक चूज़ कीजिए और आपका फेसबुक का जो भी आपका मोबाइल पे फेसबुक लॉगिन है उस ईमेल आईडी से ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा साइन अप। एंड देन उसके बाद मैं जैसे कि अभी साइन इन करता हूँ मेरा अकाउंट, तो साइन इन करने के लिए देखिए जैसे यहाँ पे इस तरीके से इंटरफेस आ जाता है, फेसबुक गूगल SSO। ओके, सो मैं फेसबुक के जरिए साइन इन करना चाहूँगा, तो फेसबुक जैसे मैंने क्लिक किया, मुझे zoom.as यहाँ पे मुझे रीडायरेक्ट करेगा। एंड नाउ मुझे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे जो ब्लू कलर का लिंक है जूम लॉन्च जूम, तो यहाँ पे जस्ट मुझे सिंपली क्लिक कर देना है।
तो जैसे क्लिक कर देते हैं आप देख सकते हैं कि हमारा जो मेरा जो जूम एप्लीकेशन है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, और जूम एप्लीकेशन का साइन इन वाला जो इंटरफेस है कुछ इस तरीके से दिखता है। न्यू मीटिंग, ज्वाइन मीटिंग, शेड्यूल एंड द स्क्रीन शेयर। और आप यहाँ पे सेटिंग्स में देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा नाम ऑलरेडी आ चुका है जो मेरा फेसबुक पे मेंशन है, एंड आदर्श @yahoo.com। और इसमें अगेन जाके आप यहाँ पे आपका प्रोफाइल पिक्चर जो है आप इसको चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे नाम ऑलरेडी मेंशन रहता है, एवरीथिंग ऑलरेडी आपका सारे चीज़ों मेंशन रहते हैं, तो ये बहुत ही सिक्योर है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा किस तरीके से साइन इन करके ही आप मीटिंग में जुड़े, ताकि आपको वो इजी हो जाता है, बार बार आपको मीटिंग साइन इन साइन अप की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो दैट्स इट। ये आपको मोबाइल पे, मैं आपको ये बताया कि मोबाइल पे कैसे जूम एप्लीकेशन के जरिए, जूम एप्लीकेशन में आपको मीटिंग ज्वाइन कर सकते हो। मेरा पूरा स्क्रीन शेयर किया आप लोगों के साथ, तो इस तरीके से आप इसको ज्वाइन कीजिए। अगर कुछ कन्फ्यूशन है और अगर आपको कुछ चैलेंजेस है इस जूम एप्लीकेशन पे जुड़ने के लिए, तो आप मुझे नीचे कमेंट पे बताइए, और मैं डिस्क्रिप्शन पे जूम एप्लीकेशन डाउनलोड का जो ऑथेंटिक लिंक है वो मैं मेंशन कर दूंगा। वहाँ पर क्लिक करके आप जूम एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। सेकेंड थिंग, अगर आपका ये वीडियो पसंद आया, अगर मेरा गाइडेंस और आपका अगर मेरा अगर जो मैं आपको दिखाया प्रोसेस कैसे आप जूम एप्लीकेशन को इस्तेमाल करके बहुत आसानी तरीके से एक मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हो, अगर आपको पसंद आया तो डेफिनेटली आप कमेंट करके आप बता सकते हो। और सेकेंड थिंग, आप ये मत भूलना, आप आपके फ्रेंड फैमिली के साथ ये लिंक आप शेयर करना मत भूलना। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।